नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। आइए देखते हैं इसमें क्या किस किस सामान की आवश्यकता होती है। आधा कटोरी देसी घी, एक कटोरी बेसन, 3/4 कटोरी शुगर और अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें लिए हैं कसी हुई गरी, कटे हुए बादाम, 2-3 पिसी हुई छोटी इलायची और थोड़े से किशमिश। चलिए बनाते हैं अब हम बेसन का हलवा। सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। 2-3 मिनट कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो गई, अब इसमें हम डालते हैं देसी घी। घी गर्म करते हैं, इसके बाद इस पे हम डालते हैं बेसन। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। हम बेसन भूनते हैं। बेसन को भूनने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। बेसन को तब तक भूनते हैं जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। बेसन भूनने की पहचान ही यही है कि ये कढ़ाई में घी छोड़ने लगता है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। लगातार कलछी से चलाते रहना है जिससे कि बेसन अच्छी तरह से भून जाए। बेसन बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया है, इसका कलर भी ब्राउन आ गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर आप अपनी स्वाद अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें बॉइल्ड किया हुआ पानी डालेंगे और इसको बराबर कलछी से तेज आंच करके चलाते रहेंगे जब तक कि ये सूख ना जाए। पानी सूख गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल के इसको और थोड़ा सा भून देंगे। हलवा बन के तैयार हो गया है, अब इसे हम प्लेट में डालते हैं। इसके बाद इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं। गरी, कसे हुए कटे हुए बादाम, छोटी इलायची, और थोड़ी सी किशमिश। हलवा बनके तैयार हो गया है। चलिए इसे आप खुद खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए।